डुपा डुपा एक, ये क्या कर रहे हो आप? मैं नाराज आपसे विचित्र गुप्त जी, जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात? डुबा डुबा एक, तो मैंने तुम्हें देख लिया, वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें है नहीं विचित्र गुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली, और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी किसकी? बट भाई किस सोच में पड़ गए? जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, तो जीवन आत्मा? नहीं नहीं नहीं, ले जाने दूंगा मैं नहीं इसे। हाँ, है ये मेरा मित्र, और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं नहीं नहीं, होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डूबा डूबा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आँख में। बालवीर जरा देखो तो। हाँ हाँ हाँ, देखा? देखो, अब देख रहा हूँ। अब उतर, देखो क्या हुआ। बालवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ, सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्र रूप, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई रोपा तोपा। क्या कैसे? डुबा डुबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्र गुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। पूरा यकीन है कि वो आंखें तोबा तोबा की है। है वो मेरा भाई, पहचानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से। जाओ तुम। विचित्र गुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डुबा डुबा एक के पास ही छोड़ दीजिए। उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डुबा डुबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्र गुप्त जी को नहीं हो रही जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो 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 मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ फंसना काफी नहीं है। बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्र गुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं नहीं, है ना मेरे आंखों में आंसू, देखो देखो। देखो देखो। चित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तोबा तोबा? हाँ, डुबा डुबा। देखा है ये मेरा जुड़वा भाई, तोबा 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 तोबा।
इस बेवकूफ तौबा तौबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्र गुपजी नहीं है, तौबा तौबा है, कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, अरे बाबूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। मैं कमजोर नहीं। धीरे संभाला, धीरे धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सबका क्या करेंगे? खाऊंगा। अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। जब पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना? हाँ बोला, हाँ बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। बाबूजी रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना, चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं, चलो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे, सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बाबूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव में, तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ, अब एक खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है क्या? तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। हाँ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? ए बच्चों का बास्केटबॉल मैच, मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। अरे बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग सात सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते? नहीं, बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी, बापूजी, माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, बापूजी से ये सीखने की जरूरत है, अरे लड़ो, उन बड़े बच्चों के साथ मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हमें बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। यस, शाबाश। ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डुबा डुबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी, जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला कि यहाँ परीलोक में जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो,
छलपरी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परी, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्ती की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्ती को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बालपरी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छलपरी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वी लोक। हाँ बाल, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक ले जाना चाहिए ताकि अगर छलपरी दोबारा परिलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम इसे छुपा सकते हो? क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वी लोक भी दूर नहीं है ना। मैं जानता हूँ और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पे सुरक्षित करके आता हूँ और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। सारे तारे माँ, मैं कैसे रोकूं इनको? अरे कोई तो गाना बंद करो। दादाजी, दादाजी बस। शर्मपरी हो रहा है मुझे बहुत दर्द। अरे दर्द के मारे अकड़ गया मेरा पूरा शरीर। चल परे कर दीजिए मुझे माफ। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुर में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती। मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय, मुझे यहां से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सजा की फिक्र करो विचित्र गुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा आपको मुझे सीधा। चल परी, चलो मुझे सीधा चलो। हाय लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा, जादुई कुंड चलिए। भयंकर परी
मेरा मन खुश थी, देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय, बोलने का समय तो गया भयंकर परी, कुछ कीजिए, कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। पृथ्वी लोक? पृथ्वी लोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्र गुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर बल, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? बालवीर, तुम यहाँ और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव, मानव उठ जा, उठ जा मानव। हर थोड़ी देर सोने देना, इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है, उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे। केले चश्मे। बालवीर तुम यहाँ? मेहर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानव, मेहर ने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर, बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, तुम हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ? वैसे बालवीर, तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो महर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो महर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर, वादा करता हूँ। बहुत अच्छी। मानो महर, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल महर, सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया। इसका क्या? हाँ सॉरी मेहर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ, चल चल चल। एक मुझे खोल। आओ, ये है तुम्हारा बेड। अरे हाँ। पर अब इसे कहाँ रखे? हाँ वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ।
ये है तुम्हारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय।